देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद लोगों को इन कानूनों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इन 3 नए कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए थाना हमीरपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने की। इस अवसर पर पुलिस कर्मचारी और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान ब्रिटिश काल से चले आ रहे 3 कानूनों को बदलने के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। राजेश कुमार ने कहा कि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिले इसके लिए 3 नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है और इससे न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। हालांकि पहले ब्रिटिश काल से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलते आ रहे थे। नए कानूनों से आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। संदर्भ में जो विभिन्न पक्ष हैं, चाहे वो मीडिया बंधु हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे हमारे रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी हो, उनके साथ ही कार्यशाला रखी गई थी ताकि नए कानूनों के बारे में विभिन्न पक्षों को के समक्ष अपनी बात रखें और उनसे सहायता की हमने अपील की है कि वो कानून को समझने में और इम्प्लीमेंट करवाने में जनता के बीच पुलिस की बात कही जाए और इसको एक पुलिस और जनता का समन्वय नए कानून को इम्प्लीमेंट करने में बने, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 100 लोगों ने आपके सामने ज्वाइन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की वीडियोग्राफी की जाएगी। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के लिए 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे।